हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है 24 सितंबर और अभी सुबह के 6:46 हो रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो इस वक्त हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज जो है सो सवेरे ही उठ गए थे, जैसे हम 5 बजे हम उठ गए थे और अभी तक बहुत सारा काम है जो हम कर चुके हैं, जैसे चावल दाल बना लिए हैं और अब जा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, और फ्रेश व्रेश होना होता है, बहुत सारे काम हैं जो घर की जो डेली जो काम करते हैं सो किए हैं। तो दोस्तों, खाना बनाने के लिए उससे पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। तो दोस्तों, आप तो समझ सकते हैं जो जैसे झाड़ू मारना होता है, बर्तन धोना होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम कर चुके हैं सिर्फ सब्ज़ी बनाने वाले हैं और जा रहे हैं बनाने के लिए। तो दोस्तों, बने रहते हैं आज की ब्लॉग में और देखते हैं आज के ब्लॉग में आप सबको क्या देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बने रहते हैं आज के ब्लॉग में। और दोस्तों, जा रहे हैं, पहले हम सब्जी बना लेते हैं। एक बार चाय पी चुके हैं और दूसरी बार जो है सो दूध लाने के लिए हमारा छोटा बेटा गया है और जा रहे हैं, तो आता है तो हमारी जो नबिया है उसका तबीयत रात में कुछ सुधार है, जैसे काढ़ा बनाए हैं और अभी भी बनाए हैं काढ़ा, ताज़ा काढ़ा बनाए हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा तबीयत अगर ख़राब होती है, जैसे 1 साल की 1.5 साल की बच्ची है, और देख सकते हैं मैं क्या लेकर आया हूँ, आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा छोटा बेटा आ चुका है दूध लाने के लिए। नहीं, अभी जस्ट उस पार में देखे कि ये पाव रोटी वाला है तो ले लेते हैं, मस्त आराम से अभी खाएंगे, चाय में डुबा डुबा के, उफ मजा आएगा। और मेरी बेटी को भी काफ़ी पसंद आने वाला है, इसके लिए भी सोचे कि ले लेते हैं स्टार्ट। एक बड़े वाला है, एक छोटे वाला है, ठीक है, ये फैमिली के लिए, ये बच्चे के लिए। कैसा मजा आएगा? अच्छा मजा आएगा, अच्छा मजा आएगा। जाइए दूध लाने के लिए, रखिए, मांगते हैं दूध लेके, ठीक है, फिर मिलते हैं दूध लाने के बाद। तो दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी, हमारी नबिया को कल जो है से 3-4 बार हम काढ़ा दिए थे। तो काढ़ा क्या चीज़ का दिए थे तो हम आपको बताते हैं, हम यूज किए हैं इसलिए आप सबको भी बताते हैं। तो कोई हानिकारक वाली चीज़ नहीं है, आप सब भी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको, हम अभी भी बनाए हैं तो आपको हम बता देते हैं, बहुत काम की है। दवा के साथ साथ बच्ची को अगर सर्दी बुखार लग जाती है, 1 साल 1.5 साल की बच्चा है, थोड़ा सा ही देना है, 5 जैसे ड्रॉप में आप देते हैं उतना ही देना है काढ़ा। तो जैसे चलिए आपको हम बताते हैं, अभी हम काढ़ा बनाए हैं तो आप पिला सकते हैं। तो दवा के साथ साथ ये बहुत काम की चीज़ होती है, तो आप देख सकते हैं, दिखाते हैं, बैक कैमरा से आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं काढ़ा हमने बनाए हैं। तो इसमें हम तुलसी का पत्ता देख सकते हैं और थोड़ा सा आदि रखे हैं और हल्दी पाउडर रखे हैं थोड़ा सा ही, नमक और पानी के साथ इसे हम अच्छे से खौलाए हैं। और इसमें थोड़ा सा घी भी रख दीजिए, और क्योंकि इसमें हम रखे नहीं हैं तो देख सकते हैं, रात में बनाए हैं घी तो हम अभी रखे नहीं हैं, ये काढ़ा बनाए हैं। अब इस, तो दोस्तों, थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक और आदि है तो अच्छी बात, लेकिन पाउडर जो है, हल्दी पाउडर या कच्चा हल्दी अगर मिलता है तो वो सबसे फायदेमंद चीज़ है।
तो दूध में भी डाल के दे सकते हैं, और है नहीं है तो पानी में खौला के और नमक के साथ बच्चे को 5 बूंद से 10 बूंद आप दे सकते हैं। तो हम यूज किए हैं इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। से ये ख़राब करने की चीज़ नहीं है, देख सकते हैं सब्जी में भी खाते हैं, और ये सब्जी में अगर नहीं पड़े तो अच्छी नहीं होगी और इसका रंग नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो हल्दी तो दाल में नमक में पड़ना ही है, तो हम जो है सो यूज किए हैं। जो बात है 1 साल 1.5 साल की बच्चा हो तो अगर नहीं ठीक हो रहा हो दवा के साथ साथ, अगर ये आप काढ़ा बनाते हैं थोड़ा सा देते हैं, जैसे 6 महीना का बच्चा है तो आप दाल का पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा खा भी लेती है, तो ये अगर देते हैं तो जल्दी ही ठीक होने की संभावना होगी और बच्चा स्वस्थ होगा। तो हमने कल जो है सो यही किया है, पहले भी करते थे और कल हम नव्या को यही दिए हैं, तो कुछ राहत महसूस कर रही है, रात में सोई है। और दोस्तों तो आप ये नुस्खा के बारे में आप सब तो जानते ही हैं, तो काढ़ा हमने बनाई है। ये बहुत सारे काम हैं जो हम कर लिए हैं, नव्या सो रही है तो आपको हम दिखाते हैं। चलिए अब जो है सजा रहे हैं, जल्दी से हम सब्जी बना ली, नहीं तो वो भी बनाने नहीं देगी। दिखाते हैं बैक कैमरा दोस्तों, देख सकते हैं हमारी नव्या सो रही है, दोस्तों देख सकते हैं हमारी नव्या सो रही है, और ये भी यहाँ देख रहे हैं, नहीं तो ये गिर जाएगी। सोने देते हैं और जा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। तो दोस्तों हम सब्जी बना लेते हैं और नव्या उठती है तो फिर आपसे हम बातें करेंगे, मिलते हैं। अभी 9:45 हो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं जो इस वक्त आपसे हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने सारे काम थे वो अभी जो ज़रूरी का था वो कर चुके हैं और नहा सुना के रेडी हैं, खाना पीना खा लिए हैं। तो दोस्तों और हमारी फैमिली में कुछ सदस्य नहीं खाए हैं, वो नाश्ता किए थे इसीलिए वो जो है सो थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। तो सोचे जो आपसे बातें कर लेते हैं, तो अभी के मौसम में बच्चे पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इफेक्ट। तो दोस्तों चेत जाएं बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चा जो है सो बोल नहीं सकता है, आप महसूस कर सकते हैं तो महसूस कीजिए बच्चे को। तो दोस्तों क्या कहें, अभी जो है सो बीमारी को लेकर तो सभी परेशान हैं, लेकिन हमारे घर की आपको हम दिखाते हैं तो आप देख ही सकते हैं, जो हम वीडियो पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं इसीलिए जो बच्चे को देखने में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, सही भी है, क्योंकि और जितने सारे बच्चे हैं सो देश के भविष्य हैं और उस पर पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो अच्छे से देखभाल कर सकूं। तो दोस्तों क्या कहें, बने रहते हैं आज की ब्लॉग में और देखिए आज का आप सबको आगे की सीन क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो दोस्तों बने रहते हैं आज की ब्लॉग।
तो दोस्तों अभी शाम के 5:37 हो रहे हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं जो इस वक्त हम आपसे बातें कर रहे हैं और अभी लाइट भी नहीं है, तो क्या करें। नव्या को लेकर हम कभी दवाई देते हैं, कभी उसको, बहुत ही शरारती बच्चा है तो गिर जाएगी, कभी कुछ करेगी, इसीलिए उस पर पूरी निगरानी करना होता है। और शाम हो चुकी है तो हम खाने में, हमारी बेटी नहीं आ रही है तो अभी, तो खुद ही सब्ज़ी बनाए हैं, आलू टमाटर बैंगन का सब्ज़ी बनाए हैं। और देख सकते हैं हमारे हस्बैंड भी कंधा करके बताते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे हस्बैंड भी, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे हस्बैंड जी जो है वो यहाँ दूरा साफ कर रहे हैं। और नव्या को देखिए, और यही जो आगे की जो है सो दुकान भारी पर किए हैं, रंगाया है आज, और देख सकते हैं देखो साफ सफाई हो रहा है, मच्छर बहुत हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए नव्या खेलती रहती है, इसीलिए देख सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा बेटा पढ़ाने के लिए गया है कोचिंग, और छोटा बेटा को आज उसका तबीयत खराब था, पेट में दर्द हो रहा था, तो अभी उठा है, दवाई खाया है तो अभी उठा है, आराम हुआ तो उठा है। और हम जो है सो नव्या को लेकर कुछ काम किए हैं, क्या करें, अकेले हैं तो, नव्या शरारती भी है, गिर जाएगी, चोट लग जाएगा, इसीलिए उस पर पूरी निगरानी रखना होता है, तबीयत भी ख़राब है उसका, क्या करें, इसीलिए हम वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और घर के काम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देख ही सकते हैं, अभी भी कपड़ा रखे हैं खींचने के लिए नव्या का है, बहुत गंदा करती है, कपड़ा रखे हैं, हम मशीन का सब्ज़ी बना लिए हैं, कपड़ा रखे हैं खींचने के लिए, तो लाइट चली गई है, और अब क्या करें, तो सोचे जो शाम हो चुकी है और ब्लॉग को पूरा भी करना है, तो सोचे जो हम जा रहे हैं तो नव्या को हम अपने देख सकते हैं, जो हमारा बेटा जो है छोटा बेटा उसको हम दिए हैं, सोचे ब्लॉग को पूरा करते हैं और दोस्तों आपको दिखाए हैं दूरे पर। हमारे हस्बैंड जी जो है साफ कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं और नव्या खेलती रहती है, तो इसीलिए। तो दोस्तों शाम तो हो चुकी है और हम ये ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।